यो सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में ना हम प्रॉपर क्लोज रेंज पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, एज यू नो, बहुत से आप लोगों को पता होगा कि अगर आप क्लासिक्स में क्लोज रेंज अपनी यूज़ करते हो एंड इजीली आप क्लचेस भी कर लेते हो, देन व्हेन यू गो टू स्क्रिम्स, अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हो, तो आपकी जो क्लोज रेंज है आपको लगता है कि हाँ यार, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाहिए, ठीक है। एंड द मेन रीज़न इज किसी को अच्छे से नहीं पता होता है, बहुत से लोगों को, कि अपनी क्लोज रेंज को ट्रेन कैसे करना है, अपने क्रॉस एयर को इतना बेस्ट कैसे करना है कि आपके मोस्टली हेडशॉट्स कनेक्ट हो एंड आप एनिमी का जितना भी हार्ड जिगल वो करे आप इजीली ट्रेस कर पाओ एंड ऑब्वियसली आपकी मूवमेंट भी ओपी रहे। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, कैसे उसको ठीक करना है अगर आपका खराब है एंड कैसे उसको मेंटेन एंड इम्प्रूव करना है, ये वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा एंड एक क्लोज रेंज के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स टॉक अबाउट अवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैप के बारे में बताना चाहूँगा, प्लेयर्स बोर्ड ऐप। सो गाइस, आपको पता है T20 चालू होने वाला है एंड T20 में यार बहुत से लोग घर बैठ के देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ कि घर बैठे बैठे आप 10 करोड़ तक कमा सकते हो, जी हाँ, प्लेयर्स बोर्ड ऐप पर आप 10 करोड़ तक कमा सकते हो T20 के गेम्स खेल के, क्रिकेट गेम्स खेल के, एंड वहाँ पर आप अपनी टीम बना के ग्रैंड लीग्स के लिए 10 करोड़ तक और कमा सकते हो एंड 1.2 करोड़ तक के लीडर बोर्ड रहते हैं वहाँ। एंड यार ऊपर से प्राइसेस में BMW जैसी OP बाइक्स भी रहती हैं। और ये सबको हटाओ, मेरी अगर आप फैंटेसी गेम से हटा कर मेरे से आप पूछो तो मेरी क्विज गेम्स में बेस्ट मेरे को लगती है लूडो। लूडो में भी आप डेली खेल के 10 करोड़ तक कमा सकते हो यार, बहुत ओपी ऐप है। एंड यार रही बात अगर सिक्योरिटी की, तो यार मेड इन इंडिया ऐप है, 100% सिक्योर एंड 7 मिलियन यूज़र्स ऑलरेडी ये ऐप को यूज़ कर रहे हैं। सो ट्रस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड यहाँ पे अपने पैसे आप इजीली विदड्रॉल कर सकते हो विदाउट एनी KYC। सो यार किस बात की देर है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, जाइए एंड डाउनलोड करिए प्लेयर्स बॉट ऐप। सो गाइस, जो क्लोज रेंज होता है वो तीन चीज़ों का, जब वो एकदम परफेक्ट वे में हो तब जाके आप बोल सकते हैं हाँ आपकी अभी क्लोज रेंज परफेक्ट है। ये तीन का कॉम्बिनेशन आपकी क्लोज रेंज बनाता है। फर्स्ट इज प्री फायर, सेकेंड इज योर एम एंड द थर्ड वन इज योर मूवमेंट। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं एंड इनमें से अगर एक भी ऊपर नीचे होती है ना, तो हो सकता है कि सामने वाला प्लेयर आपको टेक डाउन कर दे। अभी जब आप क्लासिक में खेलते हो तो इन तीनों में से अगर एक भी आपकी वीक है तो आपका चल जाता है, क्योंकि क्लासिक में जो प्लेयर रहते हैं वो ज़्यादा ट्रेनिंग एंड ऑल नहीं करते, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देते, मोस्टली वो फन के लिए खेलते हैं एंड सिर्फ बंदे मारने के लिए खेलते हैं। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई टूर्नामेंट जीतना है या फिर उनको कहीं पे हगना नहीं है, कहीं पे उनका चोक नहीं होना चाहिए, उनको इतनी चीज़ों पे टेंशन नहीं होती। लेकिन जो जब आप आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे मूव ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि दिन रात एक करते हैं सिर्फ अपनी क्लोज रेंज को उस लेवल तक लाने के लिए। सो उनके अगेंस्ट खेलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मोस्टली प्लेयर्स के लिए, बिकॉज द थिंग इज जो बिगिनर प्लेयर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, जो कि क्लोज रेंज पे इतना ध्यान नहीं देते, वो इनमें से अपनी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एक चीज़ थोड़ी वीक रहती है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन। आपकी जो भी खामियाँ हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग सेशन डेवलप करना चाहिए, हर एक प्लेयर को करना चाहिए, हर एक प्लेयर को आना चाहिए ये करना, वो भी आपको ये वीडियो में सिखाऊंगा। सो अपना वीडियो अभी यार शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, जो है अपना प्री फायर। अभी इमेजिन करिए यहाँ पे एक प्लेयर है, यहाँ से वो जाके इधर से निकलने वाला है। ये आप दो तरीके से पता लगा सकते हो, फर्स्ट इज साउंड एंड सेकंड इज योर विजन। ताकि बंदा जब लेफ्ट से राइट आ रहा है, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि हाँ इतने टाइम पे वो बाहर आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको उसके आने से पहले ही आपका फायर स्टार्ट होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड प्री फायर। ये दो चीज़ों पर मैटर करता है, आपका साउंड एंड आपका विजन। अभी आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका प्री फायर इंप्रूव हो, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं TDM में ना स्लो सॉन्ग्स लगा के चला लेता हूँ, गेम प्ले शुरू कर देता हूँ अपना। तो उससे फ़ायदा मेरे को क्या होता है, जब ये चीज़ होती है ना, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं मेरे साथ। फर्स्ट इज़ मेरे को गाना भी सुन रहा है एंड सेकेंडली मेरे को अपने गेम पे भी फोकस करना है, ठीक है, गेम के साउंड पे भी। तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है ना, उसको गेम के साउंड पे, फुटस्टेप्स पे फोकस करने की अच्छे से आदत बन जाती है, ताकि आसपास कुछ भी हो, गोलियां चल रही हो, आप प्रॉपर फुटस्टेप के साउंड पे फोकस कर पाओ। एंड जो अंदाज़ा लगाना है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस पे है। आप क्लोजने में बंदों को लेफ्ट राइट जाता हुआ देखोगे तो आपको ओवर टाइम उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऑब्वियसली अभी तो BGMI को आए बहुत टाइम हो गया, तो आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा। सो ये तरीके से आप अपना जो प्री फायर है बेटर कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है आपका एम। सो यार मोस्टली सिचुएशन में मैंने ये देखा है, मोस्टली प्लेयर्स की सिचुएशन में, कि वो मोस्टली जब पुश करते हैं तो अपना क्रॉस एयर कहीं पे भी रख लेते हैं, लाइक नीचे ऊपर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं वो सोचते कि जो TPP ले रहा होता है प्लेयर, उसको ईजिली आपके हेड पे मिलेगा
एम, क्योंकि वो अगर वो हायर ग्राउंड पे है तो उस टाइम पे वो ये गलती करती है, वो हेड पे एम नहीं रखती। अभी देखिए, अगर आप हेड पे एम रख के चलोगे ना, जैसे अभी मैंने रख रहा हूँ अपने हेड पे, तो जब वो भी पीक करेगा ना, तो उस आपके भी हेडशॉट कनेक्ट होंगे उसके भी, एंड देन अगर आपका एम प्रॉपर रहा देन यू कैन ईजिली टेक हिम आउट। तो अपना क्रॉसियर जो प्लेसमेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर प्लेयर हायर ग्राउंड पे है तो आपको चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको उसके हिसाब से अपना क्रॉसियर सेट करना, ताकि जब वो बाहर आए तो आप ऑटोमेटिकली इजीली हेडशॉट कनेक्ट कर पाओ। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार क्रॉसियर का, जो कि एम में यूज होता है। अगर आपका क्रॉसियर बेटर है एंड देन आपका ऑब्वियसली एम भी बेटर होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी प्रैक्टिस इन टीडीएम एंड ऑल। सो अभी ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट मूवमेंट यार। जो बहुत बंदे में कमेंट सेक्शन बोलते हैं कि भाई प्रॉपर जिगल कैसे अच्छा करते हैं बता दो, मूवमेंट कैसे बेटर करते हैं बता दो, तो यार आपको सिंपल इतनी चीज़ पता होगी कि मूवमेंट आप करते हो बुलेट्स डॉच करने के लिए। सो यहाँ पे एक ड्रिल है जहाँ पे आपको बुलेट्स डॉच करना आएगा। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे आ जाना, जो आपको सामने ये दिख रहा है ना, इसको आपने सोचना है कि ये एनिमी है। आप में से बहुत प्लेयर्स को पता होगा जो एक्सपीरियंस होते हैं कि एनिमी के अगर आप सामने आओगे देन उसका वो लाइन ऑफ फायर रहेगा एंड आप इजिली मर जाओगे। तो इस ड्रिल में आपको करना क्या है, एनिमी के सामने आना अवॉइड करना है एंड जिगल का एक पैटर्न आपने बनाना है कि उसका आप एम लाइन ऑफ फायर अवॉइड करो एंड इजीली मूवमेंट भी अच्छी दो, ताकि उसका एम आप पे ना लगे एंड आपको प्रॉपर लाइन ऑफ फायर से उसके डॉज करते हुए जिगल देने की प्रैक्टिस करनी। ऐसे आपका एक प्रॉपर जिगल पैटर्न डेवलप होगा जो कि आपको हेल्प करेगा इजीली बुलेट्स डॉच करने में। सो यार ये थे हमारे तीन पॉइंट जो कि बहुत मैटर करते हैं, एंड इन तीनों को ठीक करने के लिए आप पे अंधी ड्रिल्स हैं, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जब पता है आपको क्या चीज़ इंप्रूव करनी है देन उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग सेशंस अपने खुद पे अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको क्रॉस हेयर पे ड्रिल्स, क्लोज रेंज पे प्रॉपर ड्रिल्स, क्लोज रेंज की प्रॉपर सभी ड्रिल्स एंड प्री फायर एंड ऑल, ये सब पे वीडियोस मिल जाएंगी। सो अगर देखनी है तो जाइए चैनल को चेकआउट करिए, एंड दैट्स इट फॉर अवर टुडेज वीडियो, एंड आई सी ऑल लेटर। बाय बाय गाइज़।